जगां दे पीर उठ के सीने नाल लालिया दुश्मन पुराना अज मुरीद बना लिया ते गोडे नाल गोडा ला के भैन दी वजह तो और अकाली सलाम दी दुआ भी है गोडे नाल गोडा ला के कोल बठा लिया उमर नो चौदर मिल गई आली दरबार दी वाह भैन मैं तेरी अजमत तो सदके जावा अपने वीर आमिना दे लाल दे दर्रे दौलत लैके टुर गई है ए वेख लए ते जनाबे उमर दी भैन मैं गल मुका देवा आमिना दे लाल अली सलाम दी भैन वाल भी ते नजर दौड़ाओ न अकाली सला तो सलाम नो भैन शीमा चुक के बार गलियां बाजारा दे अंदर आ जांदी है अपनिया सहेलियां नो आके आंदी है हाजा अखुली नी सहेली ओ हाजा अखुली लम तले दो उम्मी आ मेरा भी वीर वेख लवो लम तले दो उम्मी पता नहीं मैनू एदे नल क्यों इस वीर नल प्यार हाला मेरी मां ने इनू जनिया भी कोई नहीं है हाजा अखुली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैआ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو بڑے نصیباں والے ہو مقدراں والے ہو اس گئے گزرے دور دے اندر بھی اس مالک نے تانوں اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور میں رب دے ہاں دعا گو ہاں کہ اللہ تواڈے دلاں دیاں نیک تمناواں نو اپنی رحمت نال پورے فرما دے وے آمین جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت فرمایا ہے اس مقام آیا مبارکہ دے اندر اللہ نے کئی رشتیاں دا تذکرہ فرمایا ہے آ دنیا دا نظام اے وے اگر بندہ نظر دوڑائے نہ کتے والدین دا رشتہ نظر آ رہے ہے کتے جناب ماموں دا رشتہ ہے اور چاچیاں دا رشتہ نظر آ رہے ہے کتے جناب خالہ دا رشتہ ہے کتے پوپیاں دا رشتہ نظر آ رہے ہے ہے سارے رشتے نے
और इन्हां दा मुकाम अपनी अपनी जगह बजाए और कुरान दा अगर मुताला कीता जाए न, कुरान अगर पढ़िया जाए, ये कुरान माँ बाप दे हुकूक भी बयान कर दे। आ कुरान अगर असी पढ़ांगे, मुताला करांगे, तर्जमा पढ़ांगे, ये कुरान उस्ताद ते शागिर्द दे हुकूक भी बयान कर दे। ये कुरान वालिदैन ते औलाद दे हक भी बतला रहे है। ये कुरान जदों असी पढ़ांगे पता लगदा है, ये कुरान हमसायां दे हुकूक भी बयान करदा है। अल्लाह जुल जलाल ने न जिथे अपनी इबादत दा तस्किरा फरमाया है, जिथे अपने हक दा तस्किरा फरमाया है, अल्लाह ने अपने हक दे बाद मां बाप दे हुकूक दा तस्किरा फरमाया है और वालिदैन दे हक दे बाद अल्लाह ने देख लो जेड़ा रिश्ता बनाया ना भैना और भरावां दा, वीर दा ते हमशीर दा जेड़ा रिश्ता बना दिता है वालिदैन दे बाद, भैना ते भरा ये एक दूजे दे ज्यादा अजीज होंदे ने, एक दूजे दे ज्यादा करीब होया करदे ने, और इन्हां दे हक दा तस्करा भी अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने। और खुद मेरे ते तुहाडे पीर ओ मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबाने नबुव्वत तो ये हुकूक दा तस्किरा फरमाया है। और मेरे जिम्मे जो अज दा उनवान लगाया गया है, मोहतरम हाजी अताउर रहमान पंजाबी साहब फरमा रहे सने के माई शीमा वाला वाकया जरा सुनाया जे, ते हजरत उमर दी भैन दा वाकया भी सुनाया जे। तो मैं ख्याल कीता के जदों मैं किताबां खोलियां मुताला कीता और मैं ए इस नतीजे ते पहुंचया के चलो भैन और भरा दे हुकूक दा इन्हां दे प्यार दा तस्करा मैं तुहाडे गोश गुजार करना चाहना। आ पूरे हफ्ते की मेहनत अज दे अज़ीम शान खुतबा जुमा दे अंदर दुआ फरमाओ, अल्लाह सुन सुना के एदे ते अमल करन दी भी तौफीक अता फरमाए। ये प्यार दियां गल्लां हुंदियां ने, कोई फरमाइशां करदा जनाब ओ फलाना गाना सुनाया जे, अदाकारा नूं फरमाइशां इंज दियां हुंदियां ने, दुनियादार नूं फरमाइशां जनाब और अंदाज़ दियां होया कर दियां ने, और जेड़े रब वाले ने ना वो कुरान की फरमाइश करते ने, और जेड़े रब वाले ने उन्हां दियां गल्लां सुनना सुनाना ये पसंद फरमाया करते ने। आ सुन लो जरा अल्लाह दुल जलाल दा कुरान है, पैगामे खुदावंद सिपारा पंजवां जे ते सूरत दा नाम सूरा अन्निसा जे। अल्लाह कुरान पढ़ के एदे ते अमल करन दी भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दुल जलाल दा कुरान जे, अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मैं रब तुआडे ते अपना कुरान नाज़िल फरमा रहा वा। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहा ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैय्यान वा बिलवालिदैन इहसानान वा बिज़िल कुरबा वलियतामा वल मसाकीन
वल जारिल कुरबा वल जारिल जोनोबे वसाहिब बिल जम्बे वबन सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह दुल जलाले सुबादा तस्केरा फरमा रहे ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने इबादत रब दी करनी है, अल्लाह दे इलावा कोई इला नहीं है, रब नल किसे नु शरीक नहीं जे ठहराना है। और रब ने इबादत अपनी दे बाद ने अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने व बिल वाले दये ने एहसान अपने माँ बाप नाल एहसान करना है। और वाले दयन दे बाद अल्लाह दुल जलाल इस वादा तस्किरा फरमा रहे ने व बिजिल कुर्बान व बिजिल कुर्बान अपने जेड़े तुआडे करीबी ने तुआडे अजीज जेड़े ने उन्हां नाल भी एहसान करना है, उन्हां नाल प्यार ते मुहब्बत दा इजहार कर दिया जाना है। वाबिज़िल कुर्बान हुण वेख लो वालिदैन दे बाद अगर कोई करीबी रिश्ता है वे तो भैणां ते भरावां दा करीबी रिश्ता नजर आ रहा है। आओ नजर गौर करे आजे अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने वाबिज़िल कुर्बान आयशा मस्जिद दे अंदर आके बह जाने वालो अल्लाह दुल जलाल ने भैणां भी अता फरमाइया ने, अल्लाह दुल जलाल ने भैणां नु वीर भी अता फरमा दिते ने। हुण चाहीदा ए वे जिवें भैणां अपने वीरां नाल प्यार करदियां ने चाहीदा वीर भी अपनिया भैणां नाल इंज दियां मुहब्बतां करदे नजर आओ ने। आ वेख लवो ना अज भरा भैणां दा हक मारदे नजर आ रहे ने, भैणां दे हक ते डाके मारदे नजर आ रहे ने। ओए चोर ते चोरी करदा नाल दे पिंड जाके, चोर अज चोरी करदा डाका मारदा दूजे इलाकियां दे अंदर जाके, ते भरा वेख लो अपनी सक्की भैण दे हक ते डाका मारदा नजर आ रहा है। ना ना सोने इन्हां दे हक ते डाका ना मारे आजे, इन्हां दा हक गजब ना कर दे नजर आया जे, कल नो रब दे दरबार दे अंदर जवाब देना पवेगा। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने वाबिज़िल कुर्बान अपने करीबियां नाल प्यार करना है, अपने करीबियां नाल मुहब्बतां दा इजहार कर दिया जाना है। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अनहु इन्हां नू अल्लाह ने नौ बेटियां ता फरमाईयां। ते जनाबे अब्दुल्ला अपने बेटे जनाबे जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अनहु नू कहन लगे ए मेरे बेटे जाबर मैं जिहाद दे अंदर जा रहा वाए ते मैं तेनों वसीयत फरमा रहा वाए। अल्लाह ने तेनों नौ भैणां अता फरमा दित्तियां ने, अगर मैं जामे शहादत नोश कर जावाए अपनिया भैणां ते जुलम ना करिए, मेरिया इन्हां शहजादियां ते ज़ियातियां ना कर बैठना है, अपनिया नौ भैणां नाल प्यार ते मुहब्बत कर दिया जाना है। अरवे
ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਨਸਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਜਾਬਰ ਨੇ ਵੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 94 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਾਈ ਏ, ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਜਾਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਅਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਜਨਾਬੇ ਜਾਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸੀਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਬਰ ਖੈਰੇ ਕੰਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇਤੇ। ਜਨਾਬੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਅਤਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ ਉਮਰ ਸੀਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਮਰ ਸੀਦਾ ਔਰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਮਰ ਸੀਦਾ ਔਰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਓਏ ਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈ, ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓ ਯਾਰੇ ਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਏ, ਆ ਵੇਖ ਲਵੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਦ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ? ਸੱਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਈਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਓਏ ਆਓ ਨਾ ਵੀਰੋ ਵੀਰੋ, ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤਲਾਕ ਸ਼ੁਦਾ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਤਾਨੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ। ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬੂਵੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਵਾਬੇ ਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
मक्का मुकरमा दे अंदर आ गया है। वक्त थोड़ा जिया गुजरे आए, हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जदो मक्का मुकरमा दे अंदर जांदियां ने, आपने वीर अब्दुल रहमान दी कबर ते चलिया गईया ने, ते जनाबे अम्मा जांदियां अखां डुल जांदियां ने, अपने वीर दे कबर ते जदो अम्मा जान जांदियां ने, अखां बरस रहियां ने, ते कुछ शेर जा पढ़ दिया ने, आंदियां ने वकुना का नदमा नहीं जजी उम्मत हक बदन, वकुना का नदमा नहीं जजी उम्मत हक बदन में नदहर हत्ता की लाए लियत सदा फलम्मा तफर्रक नाय का अन्नी व मालिकन, फलम्मा तफर्रक नाय का अन्नी व मालिकन ले तो ले जते मायन लम न बेत लय लतम्मा। हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वीर अब्दुल रहमान दे कबर ते खलोतिया ने, ते शेरां दे अंदर अपने वीर नाल गल्लां करदियां नजर आ रही ने, आंदियां ने मेरे वीर अब्दुल रहमान एक वेला ओ सीए कठे बैंदे सां कठे चलदे फिरदे सां, एक वेला ओ सीए एक जगह ते बह के खाना तनावल फरमाया कर दे साए। ओए रब दा वास्ता दे के कहना चाहना वा वीरो, अपना माजी ते जरा याद करया करो, अपना पुराना वेला ते कदी जेन दे अंदर दुड़ाया करो ना। ए मां जमिया पैन निकिया निकिया मासूम जेड़िया पैना ने मूंगफली छिल छिल के वीर नो देन दे नजर आउंदी है, कदी अपने वीर दे कपड़े सरी कर दी नजर आ रही है, कदी अपने वीर दी खिदमत कर दी नजर आ रही है, कदी अपने वीर नल प्यार ते मुहब्बत कर दी नजर आ रही है। ओ रब दा वास्ता ही अपना बचपना अज क्यों भुला दिता है, अज पुरानियां यादां क्यों परामोश कर दित्तियां ने, आ वेख ले अम्मा जान नाल रो रहियां ने, आंदियां ने वीर अब्दुल रहमान ओ किन्ना प्यारा वेला सी है जदो कठे रहिंदे बैंदे साए, आज दुनिया तो चला गया है इंज पिया लगदा जिवें जिंदगी दे अंदर एक दिन भी कट्टिया रह के नहीं वेख्या है, आज ते इंज महसूस हो रहा है असी कदी कठे बैठे ही नहीं है, कदिया खाना सी खा के तके आईए कोई नहीं है, रब दा वास्ता दे के कहना चाहना वाए इना मां जमिया नल प्यार करया कर, ये थे अपने वीरां तो तन मन धन कुर्बान करया कर दिया ने, अपने वीरां नल मुहब्बत फरमाया कर दिया ने, ना इना पैना दा गिला करया कर, अपनी जायदाद वेख लै इना दा ईसा अपने नामे ना लखवा लिया कर, ओए भैन फिर भी आखर भैन होया कर दिए, हजारा मील दूर बह के अपने मां जम्मे वीरां लई प्यार करया कर दिए, रब कोलो दुआवा कर दी नजर आउंदी है, आ वेख लै एक भैन कली कली पांच छे भरा ने वीर ने, ते जदो जायदाद बाप दी नाम लगवान दा वेला आया ना, ते भैन दा ईशा भी इना अपने ना लगवा लिया, ते भैन ने गिला ही नहीं किया, भैन ने
शिकवाई नहीं कीता के मेरा ही सावी नहीं जे देता। ओए मर्जियां मेरे मौला दियां है। एक वेला फिर ओ भी आ गया है जिस परा ने पैन दा ही सावी गजब कर लिया है, अपने कब्जे दे अंदर कर लिया, अपने नामे लखवा लिया है। मर्जियां मेरे मौला दियां ने अल्लाह दियां कुदरतां वेख लव, इस वेर दा बड़ा बेटा बीमार हो गया है, दौलतां मुक गईयां ने, दौलतां सारियां इलाज मुआलजे ते लग जांदियां ने, हुण इलाज वास्ते पैसे बचे कोई नहीं है। रब दा वास्ता दे के कवांगा लोगो, किसे दा हक ना मारे आज, अल्लाह दुनिया ते भी नतारा कर देंदे जे, अल्लाह दुनिया ते भी इबरत दा निशान बना दिया कर दे जे। इस मां जम्मी भैन नूं खबरां मिलदियां ने, ओ यार भैन ते फेर आखर भैन होया कर दिए, दौड़ी दौड़ी अपने वीर दे दरवाजे ते टुर गई है, अपने बाजुओं तो चूड़ियां सोने दियां उतार के आंदी है। ए मेरे मां जम्मे वीर कानों परेशान नजर आ रहा है, आ चूड़ियां बेच ले अपने बेटे दा इलाज करवा ले, आ वेख लो इना भैनां दा प्यार वेख लो, इना मां जमियां दम जमियां दियां मुहब्बतां वल ते जरा गौर करिया करो ना। ओए रब दा वास्ता दे के कहांगा, इना मां जमियां नाल प्यार करिया कर, इना मां जमियां नाल मुहब्बतां दा इजहार करिया कर। एक ना अदालत दे अंदर, हाजी राशद साहब, अदालत दे अंदर तीन बंदे गिरफ्तार ने, एक औरत है, ओदा खामत भी गिरफ्तार है, ओदा जवान बेटा भी गिरफ्तार है, और जनाब ओदा वीर भी गिरफ्तार है। अदालत दे अंदर केस लगा है, ते भैन भी अदालत दे अंदर आई है। जज कह लगा करमा वालिए, एक तेरा खामत है, एक तेरा बेटा है, ते एक तेरा वीर है। अंदाज को इंज दा बन गया है। जज कह लगा एक नू छुड़ा लै, ते दो नू फांसी दा आर्डर मिल गया है। एक जेड़ा तेरा दिल करदा ओनू छुड़ा के लै जा, दो नू असां तख्तादार ते लटका देना। हुण इस औरत दा अंदाज वेखे आजे, दिल दे अंदर सोची पै गई है, सोचदिया इस नतीजे ते पहुंच जांदी है। ओ यार किस मां दा दिल करदा है, अखीं वेंदिया जवान बेटे नूं तख्तादार ते लटका दिता जाए, किस मां दा दिल करदा है अपने जवान बेटे नूं अपनी अखां दे सामने मरदियां वेख लवे, ते किस औरत दा जी करदा है, किस बीवी दा दिल करदा है अपने खामद नूं अपने अखीं तख्तादार ते लटकदियां वेख लवे। पर इस औरत दा भी जिगरा वेख लवो, दिल दे अंदर सोच दिए आंदी है चलो खामद मौला दियां मर्जियां ने, रब होर भी दे ते कादर है, जे बेटा ये खामद होएगा ते रब होर पुत्र दे देवेगा। जज नो कह लगी नाले अखां डुल जांदियां ने, आंदी है ए जज साहब मेरे मां जम्मे वीर नु आजाद फरमा देवो, नाले अखां बरसदियां नजर आ रहियां ने, जज दियां अखां भी ते डुल जांदियां ने। जज ने इस औरत दी जहानत नो तके आए, जज ने फैसला सुना दिता है। जज कह लगा बीबी तेरे भरा दे प्यार नो वेके मैं फैसला दे दे नवा, इस अपने वीर दे नाल खामद भी लै जा ते बेटा भी लै जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए रब दा वास्ता ही इन मां जमियां नाल प्यार करिया कर, इन मां जमियां नाल मुहब्बतां दा इजहार करिया कर। आ वेख लै ए भी ते इक भैन है ना, ते भैन ते पर
भरा दा प्यार वेख लवो। हजरत मूसा अली सलातो सलाम ने अजे पैदा ही होए ने ते फिरौन जेड़ा इन्हें कतल दे आर्डर जारी कर दिते ने ते जनाबे मूसा अली सलातो सलाम दी वालदा मोहतरमा परेशान परेशान नजर आ रही ने ते अल्लाह उल जलाल पता की आंदे ने असलो जरा अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह दुल जलाल फरमा ने वा अवहीना इला उम्मे मूसा फिर कह दियो वा अवहीना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ी फ़ाइज़ा ख़िब्ते अलैहे फ़अल्के विल्यम्मे वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना रद्दुहु इलैके वजाइलुहु मिनल मुरसलीन। जनाबे मूसा अली सलाम दे मां वाल अल्लाह ने वही फरमा दिती इलका कर दिता है ए उम्मे मूसा है अपने बेटे नू खेलां दे रहा है जदो तेनू फिरौन दे जल्लादां दा खतरा लगे इनू संदूक दे अंदर बंद करके ते दरिया दे अंदर रोड़ दे दरिया दे अंदर बहा दे वेख लव ना गौर करे अज अल्लाह कह रहने ए उम्मे मूसा है मैं तेरे बेटे नू दोबारा तेरे वल लुटा देवेंगा तेरे वल लुटा देवांगा है। मां कह लगी अल्लाह किस मां दा दिल करदा है अपने जानवर के बेटे नू अपने हाथी दरिया दे अंदर रोड़ देता जाए। अर्शां तो आवाज आ रही है ए उम्मे मूसा है जे मैं रब दरिया कोलो डोबन दे का ले सकना वाए इन्हां लहरां कोलों मैं झूले दा कम भी लै सकना वाए जिन्हों रब रखे कोई मार सकदा बोलो मार सकदा। और मेरे ते कायद यजदानी शहीद भी कह गए ने अल्लाह जिथे तेरा वली लेटे ओदी कबर ते करोड़ा रहमता नादल फरमा। और अपने अपने अंदाज दे अंदर वो कह गया ने फरमान देने ओ आसमान तो डिग के नहीं मरदा ओ आसमान तो डिग के नहीं मरदा बूटा रिजक दा जिदा अजे हरिया होवे ओ दरिया भी उसनू डोबदा नहीं है दरिया भी उसनू डोबदे नहीं है हाथ खुदा ने जिस दा पड़िया होवे ओ भैन पाई ते मापे उनू याद पैंदे जेड़ा मौत दे सफर ते टुरिया होवे। अर यजदानी शहीद ने उदो आखिया सी खंजर दस लगन पावे लख वजन खंजर दस लगन पावे लख वजन मरदा नहीं जे रब्बो ना मरिया होवे मरदा नहीं हो जे रब्बो ना मरिया होवे। उम्मे मूसा जनाबे मूसा अली सलाम नू सदों के अंदर बंद करके दरिया के अंदर रोड़ देंदिया ने ते मां कह लगी मेरी बेटी मरियम मूसा अली सलाम दी भैन मरियम जनाबे मूसा अली सलाम तो बड़ी है ते मां कह लगी नी मरियम जाना अपने वीर दे पीछे पीछे जरा नजरा चुरा चुरा के किसे नो पता भी नहीं लगना चाहिदा है वेख अपने वीर दा ख्याल रख तेरा वीर केड़े पासे रुड़दा जांदा रब किवें तेरे वीर दिया हिफाजत करदा नजर आउंदा है। ये संदूक चलदा चलदा ये फिरौनी महला दे कोलो गुजरदा है बीबी आसिया ने नौकरां नू आर्डर दे दिता
बताए ये संदूक नो बाहर निकाले आ जाए। जदो संदूक निकाले आ गया है खोले आ गया है विच इंज पे आ लगदा जिवें 14वीं रात दा चन पे आ चमकदा है। जनाबे मूसा अली सलातो सलाम दा है चेहरा चमकदा ते तम दमकदा नजर आ रहा है ते फिरौन दी बीवी आसिया जेड़ी है ना कुरान सुन लो जड़ा अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने वकालत इमरातो फिरौन कुर्रतो अईन लिली वाला कला तत्तलो असा अयन फाना अव न तखिज़ो वलदा वहुम ला यशुरून। उम्मे मूसा वेख लो जदो अपने बेटे नो रोड़ दिता है बीबी आसिया ने जदो इस जानवर के बेटे नो तके आए ते फिरौन कोल खलोता है ते अम्मा जान आंदियां ने ला तक तो लो ये फिरौन नो कतल नहीं करना है असी इनु अपनिया अखां दे ठंडक बना लवांगे सानू रब ने ते पुत्र दिता कोई नहीं है। ओए रब कहलवान वाला अपने घर बेटा पैदा कर सकया अपने घर पुत्र पैदा नहीं कर सकया ते मां जी कह लगी अल्लाह तत्तलो इनू कतल नहीं करना बेटा बना लेने। फिर उन्हें आंदा आसिया मैनू तो वो ही मुंडा लगता है जिदी वजह तो इन्ने लड़के मरवा दिते ने ते मां जी कह लगी इनू कतल करना बोलो कतल करना कह लगा मैनू तो वो ही लगता है ते मां जी आदियां ने छड मैं आख्या इनू नहीं कतल करना। सारिया दे आर्डर मोड़े जाते ने घर दी दा आर्डर मोड़िया जाता ये आर्डर मोड़ना बड़ा ही औखा होंदा है। जदो घर दी दा दाबा लगा न इनू नहीं कतल करना फिर आउन आंदा सरकार जिवें तुहाडा आर्डर है शेख राज शेख जही साहब जिवें तुहाडा आर्डर है सिर मत्थे ते मन लैने आ तुहाडी जिन्नू रब रखे मार सकदा इस कमले नू पता नहीं जिन्नू मैं मारन दा प्रोग्राम बनाया रब ने तेरे घर पाल के विखा देना है। हुण जनाब मूसा अली सलातो सलाम दे दुध दा इंतजाम हो रहा है अहे दाइयां नू बुलाया जा दुध पिलाया जाए दाइयां आ रही ने ते अल्लाह दुल जलाल पता की आंदे ने अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने वकालत इमरातो फिरौन अगे जाके रब्बुल आलमीन फरमांदे ने वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन कबलो फकालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैती यक्बुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहुन। अल्लाह ने वेख लो किसे दाई दा दुध नहीं पीन दिता दाई आ रही है जेड़िया भी आंदिया ने चलो शाही खजाने तो जनाब वजीफा लग जाएगा। जनाबे मूसा अली सलाम किसे दाई दे दुध नो मुंह लांदे ही नहीं है अम्मा जान परेशान हो जांदिया ने ए किसे दा दुध ही नहीं पींदा पिया ते भैन भी ते नाल नाल गई है ना भैन कोलो गवारा ना होया भैन प्यारे मूसा दी अगे होके आंदी है प्यारी मरिया में ए बीबी आसिया जी एक दाई दी दस मैं ना पावा मिनो उम्मीद है उस दाई दा दुध ए बच्चा पी भी लवेगा ते अम्मा जान आंदियां ने तू ये जल्दी करो डीकन की गई है जाओ नु लेके आ प्यारी मरियम प्यारे मूसा दी भैन दौड़ी दौड़ी जा रही है ओ यार किन्नी तेजे नल जांदी होएगी ते जाके मां नूं आंदी अम्मा प्यारी है
उठ जल्दी कर मेरे वीर नूं बड़ी भुख लगी है। ते मां दी ए धीए मैं नहीं जाना। अम्मा क्यों नहीं जाना? मां दी ए धीए रब ने मेरे नाल वादा कीता है। रब ने आखिया मैं तेरे घर वापस लौटा देवांगा। उन्होंने कह दुध पिलाना जे ते इत्थे ही लै आओ। मां आसिया बेटे मूसा नूं लै के आउंदी है। ते जदों मां ने छाती न लाया मूसा नबी रज रज के दुध पीन लग पैने। बीबी आसिया फिरौन भी आंदा है, ए बीबी तेनू वजीर आजम हाउस के अंदर क्वार्टर दे देने आ। साडे बच्चे नू दुध पिलांदी रहो, तनखा साडे कोलो लैंदी रहो। मां जी आंदियां ने मैं तुहाडे पुत्तर दा ठेका लिया है, मेरे होर भी बेटे है ने, उन्हां नू भी सामना है, होर भी औलाद है। अगर दुध पिलाना जे ते इत्थे ही रहण दिओ, मैं दुध पिलांदी रहांगे। फिर आउन आंदा बीबी तेरी मेहरबानी है, दुध इत्थे रख के ही पिलांदी रहो, अठी दसी दी नहीं सानू, आके मिलांदी रहो, तेनू तनखा दे दिया करांगे। अकाली सलाम ये वाकया बयान करके ना मुस्करा पै, हस पै। अकाली सलाम फरमांदे ने मूसा अली सलाम दी मां किन्नी अजीब औरत है, दुध अपने मुंडे नू पिलांदी है, तनखा फिरौन कोलो लैण दई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए वेख लो ए भी भैन दा प्यार है, ए भी भैन दियां मुहब्बतां ने। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने बाबे जिल कुर्बान। ओया उन्हां गौर करदे जाया जे, रब दा वास्ता दे के कहना चाहना वा, अपनियां मां जमियां नाल प्यार करे आज, अपनियां मां जमियां नाल मुहब्बतां दा इजहार करे आज। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लखते जिगर हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अनु अपने हाथों ते उठाया है। ते बेटा आखरी इचकियां लेंदा नजर आ रहा है, ते इस इब्राहिम दियां भैणां कोल आके खलो जांदियां ने। किते प्यारी ज़ैनब रो रहियां ने, किते इब्राहिम दी भैण सैयदा रुकैया उम्मे कुलसुम दुआवां कर रही ने। इस बेटे वीर लिए सैयदा फातिमा दुआवां कर रही ने। अरशां वालिया साडियां उमरां जेड़ियां ने साडे वीर नूं लगा लै। अकाली सलाम आसमान वल चेहरा उठा लैंदे ने, एक नज़र अपने बेटे वल मारदे ने, एक नज़र अपनियां बेटियां वल पेंदे नजर आ रहे ने। अकाली सलाम आंदे ने अरशां वालिया, इस मेरिया बेटिया दे वीर नूं जिंदगी दे दे वे, तेरे खजाने च वाला कदों कमियां आ चलिया ने। अरशां तो आवाज आ रही है, ए मेरे प्यारे पैगंबर अली सलाम जे, मेरे खजाने च कमियां ते नहीं आ चलिया है। ला तबदील अले कलमा तिल्ला, मेरे कलमे बदले आदि ते नहीं ना कर दे, जेड़े मैं सा लिखे ने वादा काटा ते नहीं ना मैं कर सकदा। ए भैन अपने वीर इब्राहिम लई दुआवां फरमा रहियां ने। ओ यार ए वी ते भैन दा प्यार ते भरा दियां मुहब्बतां ने। मैदाने करबला दा मैदान नजर आ रहा है, हजरत अली अकबर, हजरत अली अकबर जेड़े ने जनाबे हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु दे जवान बेटे मैदान दे अंदर निकलते ने। लड़दे लड़दे जख्मां नाल चोर नजर आ रहे ने। जदों आखरी सा नजर आउंदे ने, आंदे ने मेरे अबू हुसैन जी, जरा मेरी अम्मी नूं मेरा सलाम अर्ज कर दे आज, मेरियां पुठियां नूं सलाम अर्ज कर दे आज। ओ मदीने वाली जेड़ी मेरी भैन सुगरा है, वादा भैन नाल करके आए सा,
ए मेरी मां जम्मी भैन सुगरा वापस आवांगे अज तो बीमार ते तेनो ले जावांगे। मदीने वाली मेरी भैन सुगरा नू भी मेरा सलाम अर्ज कर दे अज नाले कह देना अल्लाह नू मंजूरी इंज सी है दोबारा मुलाकात रब जन्नत विच साडियां करा देवेगा। ए भी ते इक भरा है ते भैन दा प्यारे ना मैदाने उहद नजर आ रहा है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अनु जामे शहादत नोश कर जांदे ने जगां दे पीर आली सला तो सलाम अपने चचा अमीर हमजा दे लाशे ते खलोते ने इन्हां काफरां ने मुसला कर दिता है कन कट दिते ने अखां कट लईयां गईयां ने जुबान कट लई गई है हाथ ते पैरां नूं कट दिता गया है। आकाली सला तो सलाम ने अपने चाचे दा मुसला वेख्या ते अखां डुल जांदियां ने अखां चो आंसू निकलदे नजर आ रहे ने। ओ यार जदों बाप दा चेहरा वेखना नसीब ना होवे बाप जदों दुनिया तो चला जाए फिर चाचियां दे चेहरे भी ते बाप वर्गे लग्या करदे ने। आकाली सलाम नूं जदों अपने अबू दी याद सतांदी होएगी आकाली सला तो सलाम अपने चाचे दा चेहरा वेख के अपने दिल नूं तसल्लियां दे लैंदे होणगे। आकाली सला तो सलाम दियां नजरां इंज सामने पै जांदियां ने अमीर हमजा दी भैन सुफैया नजर आ जांदी है। आकाली सलाम फरमांदे ने ए जुबैर जाना अपनी मां नूं जाके रोक दे जाके मेरे वालों कह दे ए सुफैया तेनों अपने वीर दे लाशे ते आउण दी इजाजत कोई नहीं है। ते मां जम्मी पैण दियां अखां डुल जांदियां ने अरज करदी अल्लाह दे नबी जी मेरा तुहाडा रिश्ता फूफी ते भतीजे वाला ही नहीं है नबी ते उम्मती वाला भी रिश्ता है। अगर आखो ते मैं इन्हां पैरां ते वापस तुर जावांगी अगर इजाजत दे देवो जांदियां जांदियां आखरी वेले मैं अपने वीर दा चेहरा ही वेख लवां। आकाली सलाम फरमांदे ने ए फूफी जान सुफैया तेरे वीर दा चेहरा दुश्मन ने वेखण जोगा छड्या ही कोई नहीं है तेरे वीर दा चेहरा वेखण दे काबल ही नहीं है। अपने वीर दे सामने आके किते बेसबरी दा मुजाहरा ना कर बैठना ते भैन दियां अखां डुल जांदियां ने भैणां दी अल्लाह दे नबी जी मैं अपने वीर दे लाशे नूं वेख के वैन नहीं पावांगी अपने वालां नूं नहीं पुटांगी अपने सीने नूं नहीं कुटांगी। अल्लाह दे नबी जी अज दे बाद मेरे वीर दा जिस्म मना मन मट्टी दे थल्ले चुप जाना है इजाजत दे दियो अज मैं अपने वीर दे लाशे ते बेसबरी नहीं करांगी मैं ते अपने वीर नूं मुबारकबाद देन वास्ते आ रही हां। कयामत वाला दिन होएगा मैशर दा मैदान लगा होएगा भैणां अपने वीरां दे नाल आउणगियां कयामत वाले दिन मैं भी अपने वीर दा कटिया पटिया लाशा जेड़ा है अपने मालक दे दरबार दे अंदर लै के आवांगी आखांगी अरशां वाले रब्बा वीर दिता सी मैं तेरे वा राह दे अंदर कुर्बान करवा दिता है मैं अपने वीर दा अंग अंग तेरी तो ही तो कुर्बान करवा दिता है। आ वेख लो भैणां दा प्यार इन्हां वीरां दियां मुहब्बतां तक दे जाओ न मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इना मां जमिया पैना नल प्यार करके दिखा देता है। ओ यार एवी ते एक पैन है, एवी ते एक पराए ना है। ओ यार कैसा मंजर होएगा, ओ कैसा अंदाज होएगा जदो मां जमी पैन है एंज कुरान खोल के अपने वीर नु कुरान सुनान दी होएगी है। ओ यार ओ मंदर कैसा प्यारा है, एवी भैन फातिमा है ते वीर जनाबे उमरे फारूक ने एंज कुरान खोले है ते पढ़ रही ने त्वाहा। मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलकल अर्ज़ा वस्समावातिल उला। ओ यार आज दिया पैना है अपने वीरां नाल मिल के क्लबां दे अंदर जांदियां ने, नेट ते जनाब गंद वेंदियां नजर आ रहियां ने, आवी ते पैन है अपने वीर नूं कुरान सुनांदी नजर आ रही है। जदों भैन ने कुरान सुनाया ना दिल दी दुनिया बदल जांदी है, दिल दा अंदाज ही बदल जांदा है। हुण भैन दे सामने तरले करदा नजर आ रहा है जनाबे उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अनु कह लगे हुण अर्ज़ा करेंदा ले चल नबी दे कोल नी रो रो बगशाला जेड़े बोले मैं बोलनी है ते पाक नबी तो सुटा मैं जिंदड़ी नू गोलनी तू जान दे लायक नहीं भैन पुकार दी है। कह लगी मैं तेनू हाथ कड़ी ला के खड़ना चाहनी है, हुन हाथ कड़ी ला लई शैल लभी कोई नहीं है। जनाबे उमर कह लगे अपना इंसाफा देंदा वेखो दलेरियां अपना इंसाफा देंदा वेखो दलेरियां उमर दियां बावां पैने पिछानो ओलेरियां ते साफे दी गंड पैने घुट के मार दी आकाली सला तो सलाम दे कोल लैके चली गई है। वेख लो ना अंदाज कितना प्यारा है, भैन अपने भरा दी किन्नी खैर खा नजर आ रही है। अकाली सलाम ने दरवाजा खोले आए जग्गां दे पीर उठ के सीने नल ला लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जे फिर कभी रब ने मौका लिया तफसील ने वाकया बयान होएगा जग्गां दे पीर उठ के सीने नल ला लिया। दुश्मन पुराना अज मुरीद बना लिया ते गोडे नाल गोडा ला के भैन दी वजह तो और अकाली सलाम दी दुआ भी है गोडे नाल गोडा ला के कोल बठा लिया। उमर नो चौदर मिल गई आली दरबार दी। वाह भैन मैं तेरी अजमत तो सदके जावा अपने वीर आमिना दे लाल दे दर्रे दौलत लैके टुर गई है। ए वेख लए ते जनाबे उमर दी भैन है मैं गल मुका देवा आमिना दे लाल अली सलाम दी भैन वाल भी ते नजर दौड़ाओ न अकाली सला तो सलाम नो भैन शीमा चुक के बार गलियां बाजारा दे अंदर आ जाती है।
अपनिया सहेलिया नो आके आंदी है हाजा अखुली नी सहेलियो हाजा अखुली लम तले दो उम्मी आ मेरा भी वीर वेख लवो लम तले दो उम्मी पता नहीं मैनू ए क्यों इस वीर नल प्यार है हाला मेरी मां ने इनू जनया भी कोई नहीं है हाजा अखुली लम तले दो उम्मी ते नाल पैन वीर नु नाले वीर नु लोरियां दे रही है आंदी है या रब्बा ना अब के लना मुहम्मद हत्ता अराहो या पे अनव अमरदा सुम अराहो सैयदन व मसूदन व अकबब तो व आदि है मान व उसद आंदी अल्लाह मेरे वीर नू जवानियां मान नसीब कर दे अल्लाह मेरे वीर नू सरदार बना दे अल्लाह मेरे वीर दे दुश्मना नू तबाह कर दे आज पैन अपने वीर दे सरदार ओंदियां दुआवां करन डई है केड़े वेले दियां निकलियां दुआवां पैन दियां अल्लाह ने सारियां मन के वखा दितियां ने दोबारा जदो ए वेख लो पैन ते भरा दियां मुलाकात हुंदिया ने अरसे बाद मुद्दतां बाद अल्लाह ने उन्हें दे अंदर अकाली सलाम नूं इज्जतां ता फरमाइया ने ए भैन चलदी चलदी अकाली सलातो सलाम दे सहाबा नूं कहन लगी वे नबी दे ओ फौजियो मैं तुहाडे नबी नूं मिलना चाहनी है मैं तुहाडे नबी नाल दो चार गल्लां करना चाहनी है सहाबा कहन लगे बीबी साडे नबी नूं की कहना चाहनी है कहन लगी तुहानूं केड़ियां दसां ते केड़ियां ना दसां जदों मुलाकात होएगी सारे राज खुल जाणगे अकाली सलाम दे कोल लैके जांदे ने मुद्दतां बाद जदों बिछड़े वीर दे चेहरे ते पैने नजर मारियां ने अखां डुल गईयां ने अखां चो सो निकल गया ने अकाली सलाम ने वेख्या ते आका कहन लगे बीबी आउंदियां रोन लग पई है तू कौन है अपना जरा तारफ ते करवाना है जदों भैन ने अपना तारफ करवाया आमिना दे लाल अली सलामी ते रोन लग पैने आंदी है सुन मैं वीरा बदर मुनीरा सुन मैं वीरा बदर मुनीरा आलम दे सरदारा मैं मां तेरी पैन रजाई है ते तुए वीर प्यारा तू साडे घर विच परवश पाई है गल्लां याद कराईयां वे मां मेरी तेनू दुध पिलांदी है ते मैं सा तेनू चांदी मैं नाल मुहब्बत तेनू चांदी है ते सारा दिन कड़ांदी है ते आज तो बन गए पीर जगांदा आज तो बन गए पीर जगांदा पाया शान ओ चेहरा सहाबा तेरे आ पकड़ ले आंदाई है कौम कबीला मेरा
पता लगाए ते मेरी दुध दी भैन आ गई है। अकाली सलाम ने किन्ना मुल पाया ही है। रब दा वास्ता दे के कहना चाहना मा वीरो ना जुलम करे अज भैना ते अज ते भरा आंदे ने मैं तेरे नाल मरन ज्यों नहीं मुका दिता है। ना तू मेरे दरवाजे आउना मैं ना तेरे दरवाजे जावांगा। 60 साल दी एक भैन अपने बेटे दी शादी दा वेला आया अपने वीर दे दरवाजे ते जांदी है तरले ही करी जांदी है। वीरा सुबह मेरे बेटे दी बरात है मेरे बेटे दी शादी ते आवी है। वीरां दा दफा हो जा मेरिया भैना मर गईया ने जवान बेटे इस बीबी दे कोल ने कह लगे अम्मी दफा कर नहीं आउंदे ते ना आउने। भैना दी है पुत्रो मेरा तुहाडा मामला नहीं मेरे ते वेरे मेरे वीर दा मामला है। तुसी दरमियान दे अंदर ना आया जे भैन तरले करदिया करदिया अपने सिर दा दुपट्टा अपने वीर दे पैरां विच रख देंदी है। वीर एडा सख्त हो गया है आंदा भैन दफा हो जा मैं तेरे दरवाजे नहीं आवांगा। रब दा वास्ता दे के कमांगा ओ यार किस दिल दे नाल भैन मायूस हो के अपने वीर दे घरों निकली होएगी। कदी अकाली सलाम दे अंदाज वल भी ते तक के वेखो ना। अकाली सलाम दी दुध दी भैन है मां जमी भैन नहीं है। अपनी चादर उतार के भैन दे पैरों थले वछा देंदे ने आंदे ने मां जमी ए मेरी दुध दी भैन है। अज पुराने वेले याद आ गए ने अज यतीमी वाला दौर चेते आ गया है। दस की कहना चाहनी है भैन आंदी है वीरा भैना नू वीरा ते बड़े मान होया करदे ने भैना नू वीरा ते बड़े दावे होया करदे ने। मैं अर्ज लैके आई हां मां दे नाल आईया है इन्हां सारे कैदियां नू आजाद कर दियो। अकाली सलाम फरमांदे ने सहाबियो सारे कैदियां नू आजाद कर दिता जाए। सहाबा कहन लगे सोने क्यों छड़िए। अकाली सलाम फरमांदे ने कयामत तक दे आउण वाले वीरां नू पता लग जाना चाहीदा है कोई भैन चलदी चलदी अपने वीर दे दर्रे दौलत ते आउंदी है अपने वीर नू को गल कह देंदी है फिर वीर दा हक बनदा है। आई भैन बोलो खाली मोड़ना चाहीदा वाबदुल्लाह वला तुशरिकु बिहि शैयन वबिल वालिदैन इहसान वबिज़िल कुर्बा आओ मेरे भाई मेरे बुजुर्गो मेरी ओ माओ भैनो जे मां बेटे वाला प्यार है तो अपनी जगह बजाए लेकिन भैन ते भरा वाला जेड़ा प्यार है इनू मलहूजे खातर रखिया करो। ओ यार की पता है कदों जुदाइयां पै जानियां ने कदों सा मुक जाने ने। जे भैन दरवाजे ते आ जांदी है मुहब्बतां करिया कर प्यार करिया कर ओ यार की इन्हे तेरे कोलो लै जाना है। ये खान नहीं आउंदियां ये ते अपने मापियां दे वेड़े नूं वेखन आउंदियां ने अपने मापियां दी याद ताज़ा करन लई आउंदियां ने। भैणां दियां ने भैण सहुरियां घर जिहड़ी है अगर दुखी भी होवे ना अपने भरावां नूं नहीं दसदी भरावां नूं आंदी है वीरा तेरा घर वसना चाहीदा तेरा घर आबाद रहना चाहीदा मैं अपने मापियां दे वेड़े दे अंदर खुशियां वेखना चाहनी हाँ। भैन अपनी जगह ते मर दिया मर जांदी है अपने भरावां दे दुख नहीं वेख सकती। आओ जे रब ने ये रिश्ते अता फरमाए ने तो ये नाल प्यार मुहब्बत का इजहार फरमाया करो। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह सानू सारिया नू किताबो सुन्नत नू समझ के ये ते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाहि रब्बी।